नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल भेजेगा झालसा। बच्चों को स्कूल भेजने, ड्रॉप आउट बच्चों का पता कर फिर से स्कूल में दाखिला कराने, नशा पान अपराध से बचाने के लिए झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार झालसा दो नई योजना बना रहा है। जल्द ही इसे लॉन्च करके जिला विधिक सेवा प्राधिकार के जरिए बच्चों को शिक्षा व स्वास्थ्य योजनाओं से जोड़ा जाएगा। बता दें, ग्रामीण स्तर पर बनी बाल संरक्षण कमेटी के सदस्यों को प्रशिक्षण देकर इसमें उनकी मदद ली जाएगी। बच्चों की शिक्षा व स्वास्थ्य अधिकारियों की रक्षा के लिए जिला स्तर के 4 सदस्यों को झालसा दो स्तर पर प्रशिक्षण देगा। पहला प्रशिक्षण ऑनलाइन होगा, वहीं 4 माह बाद फिजिकल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसके बाद कमेटी सदस्यों की मदद से गाँव स्तर पर ऐसे बच्चों की पहचान की जाएगी। झालसा के पारा लीगल वॉलेंटियर के माध्यम से गाँव में ऐसे बच्चों की पहचान की जाएगी जो नशा पान करते हैं, आपराधिक वारदातों से शामिल होकर लौटे हैं। बता दें, ट्रैफिकिंग कर शिकार होकर लौटे बच्चों को भी चिन्हित किया जाएगा। ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल भेजकर योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। झारखंड मौसम विभाग के अनुसार बढ़ती गर्मी के बाद आम जनजीवन अस्त व्यस्त दिख रहा है। रविवार को भी तेज धूप और उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल दिखे। रविवार को राजधानी रांची का अधिकतम 36.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इसी बीच दिन में सड़कों पर अधिकतर समय सन्नाटा छाया रहा। बता दें, मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि अगले 4 से 5 दिनों तक कहीं कहीं आंशिक बादल के छाए रहने की संभावना जताई गई, लेकिन तापमान में कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी ओर बंगाल की दक्षिण पूर्व खाड़ी के ऊपर गहरा दबाव एक चक्रवाती तूफान मोर्चा में बदल गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की अगुवाई कर रहा पलामू। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का सकारात्मक परिणाम पलामू जिले में देखने को मिल रहा है। बीते 5 साल में जहां झारखंड में लड़कों के अनुपात में लड़कियों की संख्या 899 हुई है और पूरे देश में औसत 929 हो जाता है, वहीं पलामू में यह आंकड़ा 1000 पर 1083 तक पहुँच जाता है। यह खुलासा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 में हुआ है। सर्वे के अनुसार बीते 5 साल में पलामू समेत राज्य के 7 जिले में जन्मे बच्चों के लिंगानुपात में बढ़ोतरी देखने को मिली है, यानी बच्चियों के जन्म दर में अपेक्षाकृत बढ़ोतरी हुई है। इसमें पलामू के साथ साथ देवघर, गिरिडीह, गुमला, लातेहार, साहेबगंज और सरायकेला खरसावा जिला शामिल है। नक्सलियों के उत्तर भारत बंद को लेकर झारखंड पुलिस अलर्ट। भाकपा माओवादियों ने 15 मई को संपूर्ण उत्तर भारत में बंद का ऐलान किया है। रविवार आधी रात से नक्सलियों की बंदी शुरू हो गई है। बता दें, नक्सलियों के बंद को देखते हुए पूरे झारखंड में अलर्ट जारी कर दिया गया। इस संबंध में झारखंड पुलिस मुख्यालय की ओर से नक्सल प्रभावित जिलों में विशेष सतर्कता बरतने की हिदायत दी गई। बता दें, नक्सलियों का बंद रविवार की आधी रात से शुरू हो गई है। बंद को लेकर रेलवे और झारखंड पुलिस सतर्क हो गई है। झारखंड पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी जिलों के एसपी को विशेष सतर्कता बरतने के दिशा निर्देश दिए गए। वहीं पुलिस मुख्यालय ने पूर्व में ही नक्सल प्रभावित जिले के सभी एसपी को अलर्ट रहने और अति संवेदनशील क्षेत्र में गश्ती बढ़ाने का निर्देश दिया था। आईसीएसई बोर्ड रिजल्ट 99.8% लाकर रुसील कुमार स्टेट टॉपर। आईसीएसई बोर्ड ने 10वीं परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। आईसीएसई बोर्ड के 10वीं की परीक्षा में झारखंड के कई छात्रों ने बाजी मारी है। बता दें, 99.8% अंक प्राप्त कर जमशेदपुर के रहने वाले रुसील कुमार झारखंड टॉपर बने हैं। आईसीएसई बोर्ड की परीक्षा में इस वर्ष झारखंड के सभी आईसीएसई बोर्ड स्कूल से हजारों छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिसमें 90% से ज़्यादा छात्रों ने सफलता पाई। बता दें, पूरे देश में झारखंड का स्थान काफ़ी अच्छा रहा है। झारखंड से 99% से ज़्यादा अंक लाने वाले कई छात्र हैं। आईसीएसई बोर्ड की वर्ष 2023 की परीक्षा में सबसे ज़्यादा अंक 99.8% दिए गए। यह अंक पाने वालों में झारखंड राज्य के जमशेदपुर जिले में रहने वाले रुसील कुमार का नाम भी शामिल है। शिक्षाविद डॉक्टर कर्मा उराव के निधन से झारखंड में शोक की लहर। प्रख्यात शिक्षाविद और जनजातीय समाज के हितों के लगातार मुखर रहे शिक्षाविद डॉक्टर कर्मा उराव का रांची के एक निजी अस्पताल में रविवार को निधन हो गया। पिछले कुछ महीनों से बीमार चल रहे डॉक्टर कर्मा उराव के निधन की खबर से झारखंड में शोक की लहर फैल गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, जदयू के झारखंड अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद खीरू महतो सहित कई सामाजिक संगठन से जुड़े लोगों ने डॉक्टर कर्मा उराव के निधन को राज्य के लिए बड़ी क्षति बताया है।
झारखंड में मनरेगा कर्मियों के मानदेय में कटौती पर नाराजगी। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ ने 1 से 3 मई तक पद यात्रा में शामिल राज्य भर में मनरेगा कर्मियों का 3 दिन का मानदेय काटने का निर्देश जारी किया है। झारखंड स्टेट मनरेगा कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष जॉन पीटर बागे ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि मनरेगा कर्मियों के प्रति सरकार का रवैया सही नहीं है। उन्होंने कहा है कि 1 महीने से 3 दिनों तक पदयात्रा के बाद सरकार ने मनरेगा कर्मियों के हित में कोई कदम उठाने के बजाय पत्र जारी कर 3 दिनों का मानदेय कटौती करने का आदेश जारी किया। मनरेगा कर्मियों ने कहा है कि सरकार के इस कदम से मनरेगा कर्मियों के प्रति सरकार की मंशा स्पष्ट हो गई। 18 अप्रैल को संघ ने 1 मई से 3 मई तक 3 दिवसीय पदयात्रा का फैसला लिया था, जिसकी जानकारी भी विभागीय अधिकारियों को उसी दिन यानी 18 अप्रैल को दी गई थी। झारखंड में PVTG लाभुकों का मारा जा रहा हक। झारखंड में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और झारखंड राज्य खाद्य योजना के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के अनाज की लूट के लिए आहार पोर्टल में छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आहार पोर्टल में आच्छादित लाभुकों में से कई गैर PVTG लाभुकों को PVTG श्रेणी में डाल दिया गया। मामला सामने आने के बाद CID की टीम जांच में जुटी हुई है। इस परिवर्तन की जांच को लेकर राज्य की सरकार भी गंभीर है, जिसके बाद सरकार ने पुलिस मुख्यालय से साइबर अपराध के पहलुओं पर जांच का आदेश दिया था। इस मामले में अब CID ने जांच शुरू कर दी है। राज्य में राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने के बाद PVTG परिवारों को खाद्यान्न पैकेट उनके निवास तक मुफ्त पहुँचाया जाता है। IPS प्रशांत सिंह बने झारखंड राज्य IPS एसोसिएशन के अध्यक्ष। झारखंड के वरिष्ठ IPS अधिकारी प्रशांत सिंह को झारखंड राज्य IPS एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। झारखंड IPS एसोसिएशन की बैठक में सर्वसम्मति से IPS ऑफिसर प्रशांत सिंह को अध्यक्ष चुना गया। वहीं रांची रेंज के DIG अनूप बिरथरे को एसोसिएशन का सचिव चुना गया है। इसको लेकर उन्हें अधिकारियों की ओर से बधाई दी गई। बता दें IPS प्रशांत सिंह जो वर्तमान पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड चेयरमैन के पद पर हैं, उनको सर्वसम्मति से झारखंड राज्य IPS एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। वहीं रांची रेंज के DIG IPS ऑफिसर अनूप बिरथरे को एसोसिएशन का सचिव चुना गया। इसको लेकर रांची में डोरंडा के खोखरी गेस्ट हाउस में IPS एसोसिएशन की बैठक आयोजित की गई थी। मिशन 2024 को लेकर BJP शुरू करने जा रही महासंपर्क अभियान। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की हार से हतोत्साहित न होते हुए भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम से महासंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है। यह अभियान 30 मई से 30 जून तक 1 महीने तक चलेगा। इसके तहत भाजपा ने झारखंड में 40 लाख परिवारों से सीधे संपर्क साधने का लक्ष्य रखा है। बता दें पलामू प्रमंडल में महासंपर्क अभियान को सफल बनाने के लिए भाजपा के झारखंड प्रदेश महामंत्री राज्यसभा सदस्य आदित्य साहू को प्रभारी बनाया गया। पलामू की तरह झारखंड के सभी प्रमंडलों के लिए भाजपा ने अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। बता दें आम लोकसभा चुनाव 2024 में अब 11 महीने से भी कम समय रह गए। ऐसे में अप्रैल मई 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होंगे। ऐसे में यह चुनावी साल चल रहा है। चुनाव जीतकर केंद्र में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए भाजपा ने तैयारी तेज कर दी है। धन्यवाद।